नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले, जैसे आप सभी को पता है, यहां पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज़ प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशंस बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक मैं आपके सामने आया था, मेरा कुछ मानना था मार्केट को लेके, एंड वो मानना जो था वो कैसा था, क्या था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारा बता दिया। फिर भी इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा हिंट देके जाऊंगा, एक बार उसको रिकैप कर लेंगे हम लोग कि हमने क्या किया था। प्लस एक और चीज़, ये वीडियो आज का थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो कृपया अपना थोड़ा सा फ्री टाइम निकाले और इसको पूरा ध्यान से देखना। वीडियो को गलती से भी स्किप मत कर लेना, अगर वीडियो में आपने कहीं भी स्किप कर लिया, कोई भी पॉइंट मिस हो गया, तो शायद आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बात करने वाला हूँ। हो सकता है कि अभी के चार्ट्स को देख के, बहुत सारी चीज़ों को देख के आप मुझ पर हंसे, या आपको ऐसा लग सकता है कि आदमी पागल हो गया है, इसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। फिर भी मेरा जो लॉजिक है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपसे, मैं यहाँ पे पूरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, जब तक मेरा एनालिसिस गलत नहीं होता तब तक मैं उसके साथ में टिका हुआ हूँ। और अभी तक हम इतना नीचे आ गए, फिर भी मेरा लॉजिक चेंज नहीं हुआ है। तो क्या है, कैसा है, वीडियो को चालू करते हैं। सो दोस्तों, लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था, तो हमारे सामने एक ऐसी लेवल की कैंडल बन चुकी थी जिसने हमको ये बोल दिया था कि प्रणव, यहाँ से सब कुछ खत्म हो गया है, हम लोगों ने बहुत ही बड़ा फॉल बना दिया है, अब आप मार्केट से बाहर निकल जाओ और आप मार्केट के अंदर में दबा के बियर बन जाओ। उस दिन भी जब मैं आपके सामने आया था, आई थिंक ऑन लास्ट संडे जब मैं आया था, तब मैं आपको बोला था कि एक तो हम इस जगह से अब पूरा बर्बाद हो जाएंगे और 21st of November तक हम कहीं नहीं जाएंगे, उल्टा नीचे ही आते जाएंगे, या अभी जिस जगह पे खड़े हैं, एक दिन का भी समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, लगेगा तो मंडे हो जाए बहुत बहुत, इसको ट्यूसडे को तो निकलना ही चाहिए। और कहाँ निकलना चाहिए, ऊपर की तरफ में निकलना चाहिए। और यही डिस्कशन हम लोगों ने किया था, वही डिस्कशन पूरा बनाते हुए वैसा ही वैसा मार्केट ने काम किया और एक बार यहाँ से ऊपर की जर्नी चालू करी। आज फ्राइडे होने के बाद क्या क्लोजिंग मिली वो देख लेंगे, 15,700 के पास में। कैसा सेटअप बना के गया है और आने वाले हफ्ते में, मतलब आने वाले 4-5 दिन कैसा कार्यक्रम हो सकता है, जिसके अंदर में मंथली एक्सपायरी भी है, तो उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। सर, ये निफ्टी का डेली का चार्ट हमारे सामने आ चुका है और इस जगह पे जब हम आए थे उस दिन, यहाँ पे मैं आपके सामने आया था और यहाँ से हमने फिर एक नए वीक की शुरुआत करी और ये यहाँ से हम खुले, ट्यूसडे को बड़ी कैंडल बनाए, वेनसडे थर्सडे यहाँ काम किए, आज ऊपर खुले और यहीं पर हम इसी रेंज के आसपास में काम कर रहे हैं। सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू योर व्यू, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू माई एनालिसिस, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीवी एंकर, जो टीवी में आपको बताते हैं, सबके व्यूज का पूरा पूरा समर्थन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं और बहुत सारे लोग अपना अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अब जो मैं बोलने वाला हूँ इसके बाद में अगर आपको कहीं भी लगे कि यार ये आदमी कुछ अलग बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या ये आदमी पागल हो गया है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो प्लीज़ एक बात का याद रखिएगा कि मैं भी मेरा एक एनालिसिस कर रहा हूँ और आपको मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ, या आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो मैं बोल रहा हूँ बिना कुछ हुए मार्केट यहाँ से टूट जाएगा, कल के कल 12 बजे मार्केट ने यहाँ से बड़ी ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए, मार्केट यहाँ से तूफान मचा देगा, ये सारी हवाबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरा लॉजिक बता रहा हूँ एंड वो लॉजिक मैं चाहता हूँ आप भी दिमाग में रखें। और मैं बताऊँ आपको लॉजिक क्यों बता रहा हूँ, लॉजिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लॉजिक अगर आपको पता हो तो आप ट्रेड में बैठ सकते हो, ट्रेड में बैठ के ही पैसा बनता है। फ्लाइट में बैठे, ऊपर गए, ऊपर से नीचे आके लैंड किए, तो आपने पूरा वो बैठ के ट्रैवल किया तो आप अगले डेस्टिनेशन पे गए। सेम गोज टू द मार्केट। अगर आपको पता है कि फ्लाइट मुंबई से निकली है और इसको जाना है दिल्ली, तो दिल्ली में जब आप उतरोगे तब आप उस डेस्टिनेशन पे आ चुके होंगे, पर आए कैसे, फ्लाइट में बैठ के। सेम कंसेप्ट, अब जो आपको पैसा बनना है वो बैठ के बनना है, तो बैठने के लिए क्या चाहिए, लॉजिक। अब दोस्तों लॉजिक सुनो क्या है, मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था, चाहे वो 8 तारीख हो, चाहे वो 16 मई हो, या चाहे वो 17 जून हो, मेरा स्ट्रिक्ट मानना था कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है।
इस दिन जब ये आया था उस दिन भी मैं आपको बोल के गया था ये इसकी लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस है सर। ये 2021 का जुलाई और जून जुलाई का पूरा कंसोलिडेशन है। उस जून जुलाई के कंसोलिडेशन से हमने एक बड़ी रैली बनाई थी टिल अपना नवंबर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर का एंड नवंबर के स्टार्टिंग तक, और वहाँ से उसी रेंज में हम वापस आए थे। तो सर कुछ तो कारण होगा, और ये जो कंसोलिडेशन है इसको तोड़ा और बैक टू दैट कंसोलिडेशन, क्या इंडिकेशन मिल रहा है। अब मैं सिर्फ एक वीक की बात करके जाऊंगा क्योंकि इस वीक के अंदर में हमारा मंथली एक्सपायरी है। फिर जब मैं जुलाई की सीरीज में आऊंगा तो अगले वीक का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बड़ा धमाका या बड़ी पिक्चर बता के जाऊंगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, या फिर मैं वेबिनार ले लूंगा मेरे सारे मेंबर्स के साथ में, तो अपन बढ़िया वहाँ पे वेबिनार में देख लेंगे। अब ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ से जो कुछ भी आज कार्यक्रम हुआ है, ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। सर अगर आप निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पे आएंगे आपको एक अच्छा सा टिपिकल से दो पैटर्न नज़र आएंगे, ध्यान से देखिएगा। एक तो किसी आदमी को ये पैटर्न दिख सकता है कप एंड हैंडल, या किसी आदमी को यहाँ से नीचे गिरा ऊपर गया नीचे आया वापस खड़ा है डबल बॉटम दिख सकता है। आप जो भी मानो दोनों के दोनों सही है। मैं इसको और एक नज़रिया देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ इसको साइडवेज कंसोलिडेशन या साइडवेज रेंज वोलेटिलिटी एंड देन अपर साइड में कंसोलिडेशन। अब इसकी मतलब ये क्या आप दो बात बोल रहे हो सर? पैटर्न चाहे कुछ भी हो, सारे पैटर्न एक ही चीज बोल रहे हैं कि प्रणव जब मार्केट नीचे आया था बायर्स थे, उन्होंने ताकत लगाई फिर बेचने की कोशिश करी तो बायर्स थे, फिर बेचने की कोशिश करी तो बायर्स थे, आज गैप अप खुलने के बावजूद हम नीचे नहीं आए, हाइयर लेवल पे जो कि रेजिस्टेंस है, और ऐसा वैसा छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं है सर, ये छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं है। आपने 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख और 16 तारीख को रुक के फिर उस लेवल को काटा, उसको रिटेस्ट किया फिर नीचे आया, मतलब रिटेस्ट हुआ हुआ रेजिस्टेंस है उसके लेवल के पास आकर अगर क्लोज कर रहे हो इसका मतलब आपके अंदर में बाइंग की स्ट्रेंथ है। ये लो इससे ऊपर, इस लो से ऊपर ये लो, अभी तक हायर लो फॉर्मेशन चल रहा है। अब ये जो फॉर्मेशन बन रहा है, मुझे चार्ट ये बोल रहा है कि प्रणव अगले वीक, शायद वीक का भी मुझे नहीं पता, शायद मंडे के दिन ही हो जाए या ट्यूसडे के दिन हो जाए, डे मुझे नहीं पता, अगले वीक मार्केट का यहाँ से ऊपर की तरफ में निकलना या ब्लास्ट होना जायज़ है। और जो लेवल्स निकल के आएंगे, सबसे पहले निकल के आ रही है 15,850 एंड देयर नेक्स्ट लेवल इज 16,200। ये अब इतना प्ले आउट हमारे लिए, आज 700 पे क्लोज किया है तो 500 पॉइंट की अपसाइड की रेंज अब खुल चुकी है। तो अब आपको मैंने दो टारगेट्स बता दिए, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, इसके लिए आप बिल्कुल प्ले आउट कर सकते हैं और अच्छी आपको मतलब चाल देखने को मिलेगी। अब यही है, ये जो चीज़ थी आज मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में भी बता दिया था, जो लोग टेलीग्राम पे उनको तो पता ही है, टेलीग्राम पे मैंने डायरेक्ट मैसेज डाल दिया था, ये ध्यान से देखिएगा। जो लोग नए उनको बता दो टेलीग्राम पे जाएंगे आप डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट सर्च करेंगे आपको अपना चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे मैं मेरा अक्सर व्यूज़ बताते रहता हूँ, वहाँ पे मैं कोई टिप विप नहीं देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। टिप वगैरह चाहिए, कुछ अलग चीज़ चाहिए मेरे तरफ से, मेरे लेवल्स चाहिए, तो आप मेरे बाकी सर्विसेज में जुड़ सकते हैं, उसके बारे में बात बाद में करूंगा मैं। पर फिर भी अगर आपको यहाँ पे सीखना है, मेरा व्यू जानना और खुद ट्रेड करना है, तो आप इसके अंदर में आज के इसमें मैंने बता दिया था कि टुडे समथिंग इज कुकिंग एट 12:30 PM मैंने डाल दिया, गोइंग फॉर एग्रेसिवली लॉन्ग पोजिशन सून एंड आई विल अपडेट वंस आई स्टार्ट डूइंग दैट। आज मैंने कुछ पोजिशन उठाई है एंड आज ये मैं आज का मेरा कुछ ट्रेड था, आई बुक्ड अराउंड 38,000 प्रॉफिट। सो छोटा सा ट्रेड था, ज़्यादा बड़ा मैं कर नहीं पाया, तो ये एक मैंने हिंट यहाँ पे आपको डाल के छोड़ा था। समथिंग इज कुकिंग मतलब अपर लेवल पे यहाँ मार्केट रुक के कुछ ना कुछ कर रहा है, वो क्या कर रहा है मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया और मैंने आपको भी बता दिया है। अब अगर मार्केट मंडे ट्यूसडे के बाद में इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है और चीज़ें यहां से आपको दिखती है कि खराब होती हुई नीचे टम्बल डाउन हो रही है, आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज 15,400, किसी भी कारण से 15,400 के नीचे निफ्टी ने नहीं जाना है। अगर आप चले गया
चीज़ें खराब हो जाएगी, फिर हमको अपने एनालिसिस को वापस से करना पड़ेगा, फिर हमको वापस से सारी चीज़ों को लाना पड़ेगा, सारे न्यूज़ को देखना पड़ेगा, सारे सेंटिमेंट्स को देखना पड़ेगा, पोजीशंस कैसे रोल आउट हो रही है मार्केट में वो देखना पड़ेगा, फिर सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। पर आज अब वो चीज़ तो हुई नहीं है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 10%। तो 90% किसकी पॉसिबिलिटी है, 90% ये पॉसिबिलिटी है कि अभी हम ऊपर की तरफ में निकलेंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो ऊपर की तरफ में निकलेगा ना सर, ये बहुत ही अच्छे मोमेंट से निकलेगा, आपको मौका भी देगा कि अगर आपसे छूट गया तो आप माल ले लो, और जो लोग मार्केट में शॉर्ट करने की सोच रहे हैं उनकी वाट भी लगाएगा। अब वाट क्यों लगाएगा, क्या लगाएगा, मैं आपको आगे में आने वाले टाइम में बताऊंगा। एक छोटा ऑब्जर्वेशन और दिखाता हूं, मार्केट ने पहले अपनी बड़ी रेंज बनाई, उस बड़ी रेंज के अंदर में काम किया, जैसे ऐसा टाइम बीता मार्केट ने अपनी एक छोटी रेंज बना ली, इस छोटी रेंज के अंदर में काम किया, आज जैसा टाइम बीता और छोटी रेंज में टाइम बिताया। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो नीचे में जब सेलिंग आ रही है तो सब सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही मतलब कोई ना कोई नीचे से माल उठा रहा है, और आज इतने हाइयर लेवल पे क्लोजिंग होना इटसेल्फ इज गिविंग इंडिकेशन कि समथिंग बिग इज ऑन द वे। अब ये हम डेली चार्ट तो देखती है दोस्तों, वीकली चार्ट देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली चार्ट को देखिए, वीकली चार्ट के अंदर में अब आपको यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा, और ये दिखेगा कि नीचे से इसने ऊपर की तरफ में माल उठाया है। लुक एट द प्रीवियस वीक लो 15183, व्हाट इज द लो दिस टाइम, 15191, ऑलमोस्ट सेम जगह से ही हम उठे हैं और अभी तक यहां पे क्लोज किए हैं। इस कैंडल का क्लोज होना, इस कैंडल के ऊपर में क्लोज होना और ये गैप फिलअप करना, ये इस पूरी चाल का सबसे पहला स्टेप रहेगा। फिर मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा, मैं आपको जुलिया की बड़ी गेम बता के जाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दी है कि मैं क्या सोचना चाह रहा हूँ और मैं आपको क्या बताना भी चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ ये तो आप सब पता है, जब पूरा मार्केट बियरिश है मैं अपने आप को यहाँ पे बुलिश स्टांस में रख के आज 24 तारीख रात को 9 बजे आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर आउट कर रहा हूँ विद द लॉजिक। क्या होगा, इसके नीचे मार दिया, मेरा लॉजिक खत्म, मेरा स्टॉप लॉस कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 21 ऑफ नवंबर तक बियरिश बन जाऊंगा। आज तक सेटअप बना हुआ है सर, सब कुछ नेगेटिव है, और जो लोगों ने मेरा बुलिश एंड बियरिश वाला वीडियो देखा है, हाउ बुल मार्केट एंड बियर मार्केट में कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो, कैसे ट्रैपिंग होती है, जाके मेरा वीडियो देख लो साइकोलॉजी वाला, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि यही सारी चीज़ें प्रेजेंट चाहिए मार्केट में जो आज है। और अभी आप चार्ट पे जाके देखते हैं, आज आपको सब दिख रहा है, स्ट्रक्चर भी आज भी हम 15,800 के नीचे ही है, आज भी हमने रिसेंट स्विंग हाई नहीं काटा, अभी भी हम उसी लेवल पे खड़े हुए हैं, तो कुछ भी नया नहीं हुआ है, फिर भी आई एम बुलिश, देखते हैं मार्केट क्या काम करता है, ठीक है। तो निफ्टी के बारे में मैंने आपको यह बात बता दिया। अब एक और चीज़, जो लोग मेरे यूट्यूब पे मेंबर्स हैं उनको बता दूँ, उनके लिए मैंने एक्चुअली कल मैसेज डाला था, बिकॉज कल मैं वापस आ रहा था पुणे, तो आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो। सो मैंने उनको एक चीज़ बताई थी कि डियर मेंबर्स, एज आई एम रिटर्निंग बैक टू पुणे, आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो, बट द व्यू इज हियर, टुमारो वी मस्ट स्टार्ट अवर अपसाइड जर्नी एंड वी शुड क्लोज फ्लैट। क्या बात हुई, कब डाला है मैंने, 22 घंटे पहले डाला है, मार्केट अभी अभी क्लोज हुआ है 6 घंटे पहले, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही एनालिसिस कर ली। तो इसके लिए अगर आप मतलब आप देखते हो कि इन सारी चीज़ों को कैसे पकड़ा जाए, सर ये एक्सपीरियंस के साथ में आती है, विश्वास रखने से आती है, ऐसे नहीं आती। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप में से कई लोग एक तो शॉर्ट में दबा के बैठ चुके होंगे, या अपने पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा लॉस देख के डर रहे होंगे कि यार मैंने क्यों स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, सब कुछ खराब हो गया मेरा, अब एक बार ये ऊपर चले जाएगा ना सर, मैं माल बेच दूंगा, मैं हाथ जोड़ लूंगा, बोलूंगा भैया मेरे से गलती हो गई, मैं कभी स्टॉक मार्केट में नहीं आऊंगा, पूरा पैसा मेरा खराब हो गया। उन लोगों के लिए स्टेटमेंट है, बोथ कैन हैपन, बट इफ यू स्टार्ट अवर अपसाइड जर्नी देन प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट इट। अगर यहां से हम ऊपर की तरफ में जा रहे हैं उसको हल्के में मत लेना। पॉइंट नंबर टू, डोंट बी फूल एंड डोंट बी सुपर बियर। ये उन लोगों के लिए स्टेटमेंट है जो लोग मार्केट अभी तक बियरिश देख रहे हैं। सर आपने अभी तक देखा आपका बियर में पैसा बना, बहुत बढ़िया सर, समय के साथ में चेंज होना सीख जाओ।
समय के साथ में चेंज हो नहीं हो पाओगे तो दिक्कत आपको होगी, दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर आपको ना पैसा सब लेके निकलना पड़ेगा मार्केट में से। और ये फिर मैंने टारगेट्स दिए थे कि अभी मेरे ऊपर में क्या दरवाजे ओपन है, बैंक निफ्टी ने तो आज कर दिया, निफ्टी को टाइम है, निफ्टी कर देगा अगले हफ्ते जितना मुझे सेटअप दिख रहा है। अब ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, ये आप नहीं देख पाएंगे, आप कम्युनिटी सेक्शन में आएंगे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि दीज आर ओनली वैलिड टू माई मेंबर्स। मेंबर्स बनना चाहते हो, आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए, वीक में एक बार मेरा 100+ स्टॉक्स का एनालिसिस चाहिए, जो मैं पोर्टफोलियो में भी रखता हूँ, जो मेरे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स, इसके ऊपर एनालिसिस चाहिए, यू जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन, आपके सामने यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस कोई भी आप सिलेक्ट करो, ज्वाइन करो, पेमेंट कर लो डायरेक्टली यूट्यूब को, आपका डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अलाउड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब मेरे सामने हो रही थी तो सर बहुत लोगों का सवाल ये था कि सर बैंक निफ्टी का बताओ, हम तो बैंक निफ्टी में काम करते हैं। ये लो जी बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी अभी इस हाई तक पहुंच गई। निफ्टी को देखो, निफ्टी अभी फिलहाल नीचे है। ट्रैवल ज्यादा किसको करना है? ट्रैवल ज्यादा करना है निफ्टी को, तो निफ्टी आपको अगले हफ्ते ज्यादा अच्छी मूवमेंट देगा। और बैंक निफ्टी उसके पास भी जगह है, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी के पास में जगह नहीं है, पर 1000 पॉइंट के आसपास में बैंक निफ्टी में है। और निफ्टी के अंदर आप देखते हो तो 500 पॉइंट है, वैसे घुमा फिरा के दोनों सेम जगह पे आ जाते हैं, 500 1000 इक्वल हो गया, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। पर बड़ी बात यह हो जाएगी कि बैंक निफ्टी अगर मंडे के दिन फ्लैट खुलती हुई आपको दिखी और ऊपर में होल्ड होता हुआ दिखता है, तो सर मेरे हिसाब से इसके 34,400 के आसपास के दरवाजे ओपन हो जाएंगे। अब इसको डिटेल में जानते हैं, बैंक निफ्टी के अपन आते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने अभी तक आज तक क्या काम किया हुआ है। अब मेरे हिसाब से 1 आवर में थोड़ी कम कैंडल्स आएगी, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा देखने के लिए। ये देखिए सर, हम पिछले 13 जून से आज की 24 जून आगे पूरे रेंज में कंसोलिडेशन हो रहे हैं। चीज़ों को समझना क्या हो रहा है, मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको कुछ लेवल्स बता नहीं रहा हूँ कि डायरेक्ट यहाँ आएगा तो बाय सेल, सिखा रहा हूँ, सीखो, लॉजिक समझो, जब सब चीज़ें खराब हो एनालिसिस आपका सही हो, आपको किस बेसिस पे कॉन्फिडेंस मिलता है। आज आप मेरे चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस देख रहे हो कि खराब मार्केट में मैं बोल रहा हूँ कि सर ये सारी चीज़ होती, कुछ तो कारण होगा ना उसके पीछे। इस कुर्सी पे बैठ के आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, इतने लोगों के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ तो कारण होगा। वो लॉजिक मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि ये भी मैं मार्केट से सीखा हूँ। सही होंगे गलत होंगे वो तो बात की बात है सर, पर किसी ना किसी पॉइंट में तो आपको रहना पड़ेगा ना। एक तो आप पूरे ऑप्टिमिस्टिक बन जाओ या आप पूरे पेसिमिस्टिक बन जाओ, मतलब हर चीज़ में अच्छा देखो या हर चीज़ में बुरा देखो। आप ये समझ लो कि स्टॉक मार्केट सब खराब होने वाला है, 15,000 पे अभी खड़े हैं, 15,600-700 पे, 13,000 पे आएंगे, 12,000 पे आएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इक्विटी इक्विटी सब गिर जाएंगी, कुछ नहीं रखा है, FD में पैसा डालो बल्ले बल्ले। या इतने नीचे से हम रिकवर होके आए हैं, इतना पैसे का इन्फ्लो आया है, यहाँ से इंडिया डेवलप करने वाला, इकोनॉमी डेवलप करने वाली है, तो उसके अंदर में पैसे का इन्फ्लो भी आएगा, फिर वो पैसा घूम के जाएगा का स्टॉक मार्केट में आएगा, तो इससे बढ़ोतरी होगी, स्टॉक्स बढ़ेंगे, कंपनियां सारे काम बढ़ाएगी अपना, तो इतना सब काम होगा तो आपका ऑब्वियसली मार्केट भी बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो आप इसको पॉजिटिव नज़रिए से देखो। तो मैं सर पॉजिटिव नज़रिए से देखता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लॉजिक देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, आपको एक्सपांशन देखने को मिला, अब इतने रेंज में आप फिर से अपना काम कर रहे थे, वोलाटाइल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आज क्या हो गया? आज ये वापस से कंप्रेशन के बाद में बड़ी लेवल बनी, अब ऊपर में फिर से कंप्रेशन बन गया। अब ये जो कंप्रेशन बन गया, मतलब आज सारी गिरावट को बाय के तरफ में लाया है, सब गिरावट खरीद गई है। तो अगर मंडे मंडे नहीं तो ट्यूसडे ये ऊपर की तरफ में निकलता हुआ दिखे, अब मैं थोड़ी सी लेवल को रिवाइज करूंगा, क्योंकि चार्ट, ये जो लाइन है मैंने पहले लगाया था, आज के चार्ट के बाद मुझे लाइन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो आप लाइन को अगर ये देखते हैं तो ये लाइन को मैं जस्ट अ मिनट, ये लाइन को जस्ट थोड़ा सा ऊपर लेवल पे लगा दूंगा सेफर लेवल के लिए। ये लेवल आ गई हमारी, ऊपर में जो लेवल निकल के आती है सर, अब वो आती है 33,740 के आसपास आ रही है, मतलब 33,750 ले लीजिएगा। अगर मंडे या ट्यूसडे के दिन इस लेवल का ब्रेकआउट आपको दिखता है तो सीधा 34,420 ओपन है आपके लिए, और ये बिल्कुल आसानी से मार सकता है बैंक निफ्टी, शायद एक दिन में ही मार दे तो बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ में, तो ये दरवाजे अब ओपन है। पर बैंक निफ्टी जैसा, निफ्टी आपने देखा, निफ्टी में 15,400 के नीचे हमको आना ही नहीं चाहिए, वैसा बैंक निफ्टी में कौन सी लेवल है कि उसके नीचे हमको आना ही नहीं चाहिए, उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ सर, वो लेवल निकल के आती है 32,800 के नीचे तो आना ही नहीं चाहिए बैंक निफ्टी को, अब फुल एंड फाइनल हो गया है।
उसके नीचे आ गए तो चीजें बहुत खराब हो जाएगी, फिर हम शायद और नीचे गिरेंगे फिर। ये एकदम मतलब एकदम क्लियर है, एक बार इस रेंज का ब्रेकआउट हो गया तो वापस दोबारा नहीं आना है घूम के, ऊपर चले करेक्शन करना है, रुक जाओ, साइडवेज हो जाओ, प्राइस किसी कारण से नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है? क्यों नहीं आना चाहिए? लॉजिक सुनो, अगर किसी आदमी ने शॉट मारा है और उसका वो शॉट फंस गया है, उसको निकलने नहीं देना है, उसको लगना चाहिए कि जितनी बार ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, जितनी बार ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, आना नहीं चाहिए बस। अगर ये स्टेटमेंट है, ये सारे चार्ट्स आपको ये सेंटेंस बोलते हैं लाइफ मार्केट के दौरान, तो सर आप देखोगे 10 कदम चलेंगे, 3 कदम गिरेंगे, फिर 10 कदम चलेंगे, 5 कदम गिरेंगे, फिर 10 कदम चलेंगे। तो नीचे वाला आदमी धीरे धीरे स्टॉप लॉसेस अपने बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, इसके शॉर्ट सारे ट्रैप हो गए। ये बनना चाहिए और ये होता हुआ मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली आपको ये अगले थर्सडे फ्राइडे तक, मतलब आने वाले वीक में, मंथली एक्सपायरी भी है तो आपको देखने को मिल सकता है। तो कृपया उसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखिए। डेली का एनालिसिस मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको पूरे वीक का बता के जा रहा हूँ सर। डेली का चाहिए, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई यूट्यूब सब्सक्रिप्शन, ठीक है? तो बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको चीज़ें बता दिया, बैंक निफ्टी को इन घरों के आसपास में आना है, तो ये अब मेरे हिसाब से इस वीक के लिए दरवाजे ओपन हो गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डेटास के बारे में। डेटास में आने के पहले जो भी लोग मेरे मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, मैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ में बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 7,000 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए हर महीने हमेशा 10% ऑफ रहता है, तो उनके लिए चार्जेस है 6,300। अगर आप एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं बिल्कुल करवा सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जिसका अब एक बार समय आ चुका है, उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके अंदर मैं आपको, मैं 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूँ, कुछ उसके अंदर लॉजिक होते हैं, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बना के देता हूँ कि अगर एक ना चले तो दूसरा चलेगा, दूसरा जो तीसरा चलेगा, और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा बेस्ड अपॉन योर डिमांड कि आप इसको कितने टाइम के लिए रखना चाहते हो। उसके चार्ज है 1 टाइम फी 8,100 रुपीज़। अब दोस्तों आते अपन डेटा पे और डेटास पे बात करते हैं। सर डेटा आ गया है, ये क्लाइंट जो आदमी दबा के लॉन्ग था, अब उसने लॉन्ग को रोकना चालू कर दिया है और धीरे धीरे कम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट्स कम थे फिर बढ़ाए थे, अब वापस कम रखा है, तो अब ये बीच वाली सिचुएशन में फंस गया है कि अब मैं माल उठाऊं या रुकूं, क्योंकि मार्केट ने नीचे से रिकवरी कर दिया है पर ऊपर वाला स्विंग हाई टूटा नहीं है, तो अब ये बीच में वेट एंड वॉच है, कोई दिक्कत नहीं है सर। डीआईज ने क्या किया है, लॉन्ग बढ़ाना चालू कर दिए थे, लॉन्ग कम कर दिए, शॉर्ट पूरे खत्म कर दिए थे जब ये लॉन्ग बढ़ा रहे थे, अब इन्होंने शॉर्ट बढ़ाना चालू कर दिया। तो अब जब मार्केट ऊपर जाते रहेगी, मेरे हिसाब से डीआईज के शॉर्ट्स बढ़ते ही रहेंगे, बिकॉज दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर, ये हर गिरावट में उठाते हैं, चढ़ती मार्केट में नहीं उठाते, तो अब ये डीआईज का जो है वो पोजिशन कम होती रहेगी। नेक्स्ट कम्स, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट इज, अरे क्या हो गया, एक सेकेंड, नेक्स्ट इज द एफआईज। एफआईज पूरे लॉन्ग कम किए थे, लास्ट वीक आया था मैंने आपको बोला था इनकी शुरुआत हो रही है कम वॉल्यूम में भली, अब देखो लॉन्ग बढ़ा दिए, शॉर्ट्स पहले बढ़े हुए थे शॉर्ट्स रोक दिए, शॉर्ट अप कम कर दिए, तो ये भी आप इनिशियल स्टेज में बोला ना, अभी तक आज के दिन तक चार्ट पे कुछ दिख नहीं रहा है, पर अपना अपना एक बेस लेके चल रहे हैं, कुछ एक सोच है, कुछ विचार है मेरे, उनको लेके मैं चल रहा हूँ और आपको मैं एडवांस में बता रहा हूँ, बिकॉज यू आर वॉचिंग माई एनालिसिस और मेरे को इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो। और बहुत लोगों ने बहुत सवाल उठाए कि सर सब कुछ तो खत्म हो गया, अब तो आप बियर बन चुके होंगे। जी नहीं बना हूँ मैं, और आपके सामने सारे लॉजिक बता रहा हूँ मैं। प्रो पूरे लॉन्ग कम होना चालू हो गए, शॉर्ट बढ़ना चालू हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज अ डेटा ऑफ टुडे, या आज का डेटा है सर 24 जून का, आपको नीचे में यहाँ दिखेगा ब्राउन कलर, ये 24 जून में दबा के शॉर्ट बढ़ा है मार्केट ऊपर जाने पर। अब याद करो मेरा वीडियो जो मैं आपको बताया करता था आज से 1 महीने पहले, कि जब हम यहां से ऊपर की तरफ में जाएंगे प्रो के शॉर्ट्स बढ़ने चाहिए, लॉन्ग में विश्वास ही नहीं होना चाहिए, शुरुआत हो रही है। फिर भी अगले वीक आऊंगा आपके सामने और मेरी सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। तो अब मैं अगर उन सारे डेटास को देखता हूं, हमारे विचारधारा अगले हफ्ते के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब आते दोस्तों फॉरेन मार्केट्स पे, और फिर मैं अपना वीडियो यहाँ पे रैप अप कर दूंगा। तो
तो फॉरेन मार्केट्स में आने के लिए सबसे पहले हम आ गए अपने डॉलर इंडेक्स पे। सो डॉलर इंडेक्स पर अगर देखते हैं तो इसका कहीं ना कहीं टॉप बनने की शुरुआत हो गई है और यहाँ से अब इसको नीचे की तरफ आना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो गया है, ये आएगा नीचे धीरे धीरे। अब यहाँ से अगर मैं प्रीवियस डेटा के हिसाब से देख रहा हूँ तो नीचे आया हुआ है, कंसोलिडेशन है, बिल्कुल नीचे मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूएसडी आईएनआर इसका ही बन गया, अब इसको भी नीचे आना चाहिए, ये भी स्ट्रांग होना चालू होना चाहिए। इट विल स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर बिलो 77.8, तो अभी टाइम है। यूके ऑयल चला था ऊपर, ब्रेंट आ गया नीचे, अभी आएगा यहाँ तक 97 तक मारना चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था घुमा फिरा कि इसको 86 तक आना है, तो पहले तो आप वापस चले थे, मूव अटकी यहाँ पे, इसी रेंज पे अटके, आप दो बार कोशिश किए नहीं जा पाए, अब नीचे आना है, आते रहेगा, हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, हमारे व्यू के लिए बहुत अच्छा है। लुक एट द डैक्स, डैक्स में फिलहाल वैसे ही शांत है, बनाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर इतना कुछ मुझे हेवी बुलिश सेंटिमेंट्स अभी तक नहीं दिखे हैं। आरएसआई में डाइवर्जेंस थोड़े से देखने को मिल रहे हैं एंड एमएसीडी में भी ठीक है, मतलब इतना कुछ नहीं, शुरुआत होना टाइम है अभी। डाउ जोन्स बढ़िया रिकवरी मारा सर, और अभी आई थिंक 31,353 चल रहा है, इट इज़ अराउंड 670 पॉइंट्स अप। सो अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर आ जाती है 31,500 के आसपास में, तो आप समझ लेना सर कि हम किस लेवल पे खुलने वाले मंडे के दिन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने तो ये देखा भी नहीं था। नास्टैक वापस रिकवर मार रहा है ऊपर की तरफ में, रेजिस्टेंस पे आ गया है यहाँ पे, तो फिलहाल अभी ये बाउंस है, अभी ये बाउंस अगर यहाँ से ज़्यादा बढ़ा तो यहाँ तक बनेगा सर, ये यहाँ तक 12,600 के आसपास में, तो ये भी हमारा साथ दे सकता है। S&P बढ़िया रिकवरी के साथ में तेजी के साथ चलते हुए, कोई दिक्कत नहीं हमको यहाँ पे, 4,100 तक एक बार बिल्कुल मारेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है, हमारे मार्केट को हेल्प कर रहा है। लुक एट द रसल, रसल की शुरुआत मेरे हिसाब से अब हो जाएगी एंड बहुत, मतलब इसने बेचारे ने बहुत मेहनत कर लिया और जिस स्टेप में गिरा है, इसका मतलब इसका मुझे वीकली चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। अब वीकली में अच्छी कैंडल तोड़ा, दो बड़ी कैंडल बताए कि मैं तोड़ रहा हूँ, पर गया ही नहीं नीचे, तो यार रुक रहा है, तो अगर जितना तेजी में तोड़ा उतने तेजी में अगर यहाँ से बाउंस ले लिया तो सर ये बहुत अच्छा बुलिश चार्ट बन जाएगा सर रसल का, ठीक है। तो रसल की तरफ में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज द कॉपर, कॉपर तो अभी तक मेरे हिसाब से ठीक है, ये जो अभी जिस लेवल पे आया है आई थिंक इसने अपनी पूरी करेक्शन खत्म कर ली है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसने आई थिंक 38.2% की करेक्शन पूरी करी होगी। यस एग्जैक्टली 38.2% की इसने करेक्शन खत्म करी है, तो अब ये लाइन में हटा देता हूँ, अब इसका कोई वैलिडिटी नहीं रही, अब हमारे लिए देखना ये जरूरी है, अब 38 से 50 की तरफ जाते हो या नहीं जाते हो, मेरे हिसाब से चले जाएगा ये 3.5 के आसपास में तो आ ही सकता है, तो ये अगर आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये करेक्शन लेके बहुत अच्छा फिर बाउंस ले लेगा। इंडिया विक्स इतना सब होने के बावजूद सब कुछ सही है, बराबर विक्स 20.5 पर रुखा हुआ है, अब थोड़ा सा आपका ऑप्शन प्रीमियम में ना थोड़ा मूवमेंट रुकती हुई मिलेगी, क्योंकि विक्स का जो है अब लेवल कम आ रही है, थोड़ा सा आपको अभी ऑप्शंस में, ऑप्शन बायर्स को स्पेसिफिकली बहुत जल्दी ट्रेड लेना है और बहुत जल्दी ट्रेड में से बाहर निकलना है, ठीक है। तो विक्स अब थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निक्केई बढ़िया रिकवरी हमारा, 26,000 पे गिरा था, रुका, टेस्ट किया, फिर निकाल रहा है, तो ये भी हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अब बोवेस्पा ये आने के लिए आई थिंक यहाँ तक रेडी है, 96,158 मारेगा, तो इसका बचा हुआ काम है तब तक कंप्लीट कर लेगा, हम अपने आने वाले इस हफ्ते के अंदर में एक बार ऊपर के लेवल में जाके रुक जाएंगे। गोल्ड, गोल्ड भी फिलहाल साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर निकाला था, अब यहाँ से एक अच्छी कैंडल बढ़िया सा डबल बॉटम बनाने के पूरे मूड में है, देखते हैं सिल्वर अगर यहाँ से रिकवरी लेता है तो बहुत अच्छी चार्ट बन जाएगा सर, ये 23.08 तक मारेगा फिर, ठीक है। तो अब अगर मैं बाकी सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, बाकी मार्केट को देख रहा हूँ, तो बाकी फॉरेन मार्केट्स हमारे साथ में है, डॉलर इंडेक्स को देख रहा हूँ हमारे साथ में है, ब्रेंट को देख रहा हूँ हमारे साथ में है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। इंडेक्स के चार्ट में कोई ऐसा साइन नहीं आया हुआ है कि वो बुलिश हो चुका है, पर सारी चीज़ों को देख के मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि ये सब फॉरेन मार्केट्स के साथ मिला मुला के हम एक अच्छा स्ट्रक्चर शायद अगले वीक बना दें। तो इसी अच्छे नोट पे आई वुड लाइक टू एंड माय वीडियो, और आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप सुपर बियरिश हो, प्लीज़ अभी तक थे कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ी अपनी आंखें खोल लीजिएगा, और अगर आपको स्क्रीन पे कुछ चेंज होता हुआ दिखता है, कैंडल्स कुछ अलग फॉर्मेशन बनती हुई दिखती है, फॉर्मेशंस कुछ अलग होते हुए दिखते हैं, तो प्लीज़ टाइम के साथ में चेंज हो जाना, और आई विश यू ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीक के लिए। बाकी जो लोग मेरे डेली मेंबर्स हैं, मैं आपको मिलता रहूँगा हर दिन अब, और बहुत अच्छी ट्रेडिंग के अभी दिन चालू होने वाले हैं, बहुत तकलीफ़ दिया, आधा साल निकाल दिया मार्केट ने, हम लोगों ने इस दर्द को अच्छे से मतलब साथ में मिल बांट के सहा है, वेट करा है अच्छे मौके का, और मैं आपको हमेशा बोलते रहता था कि दोस्तों
अपने कैपिटल को थोड़ा बचा के रखो, 30% कैपिटल पे काम करो, 15% एक टाइम था मैंने 10% बोल दिया, उतने पे काम करो। अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी आप अपने हाथ खोलना चालू कर सकते हैं, पर अभी नहीं, धीरे धीरे आप अपनी पोजीशंस बढ़ाना चालू कर सकते हैं। मैं जब बढ़ाऊँगा आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, उसके बेसिस पे अगर आप मुझे फॉलो करते, आप बढ़ाना चाहो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, पर विथ स्टॉप लॉस हमेशा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, समझाई, वीडियो में समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।